बोलिए बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की। आइए कैसे हज जो है हमारे सोए हुए भाग जागेंगे भैया बहादुर, कैसे हमारे समाज के होनहार देश का भविष्य विद्यार्थी इस देश के भविष्य उजारक बनेंगे। आइए एक गीत के माध्यम से कहना है भैया क्या कि मेरे सोए हुए भाग खुद जाग जाएंगे हम जब पढ़ेंगे। हम जब पढ़ेंगे पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे, मेरे सोए हुए भाग खुद जाग जाएंगे हम जब पढ़ेंगे। कहना है भैया जब हम पढ़ेंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे, ए भैया इस भारत में जो है दो प्रकार के मंदिर हैं। पहला मंदिर जो है जहां पत्थर के भगवान रखे भैया, वो ना बोलते हैं न डोलते हैं न चलते हैं न फिरते हैं, वो खुद ही हमारे सहारे बैठे हैं कि कब हम उनको चढ़ावा देंगे और कब उनकी जिंदगी पार होगी। भैया भारत में दो प्रकार के मंदिर हैं। पहला मंदिर जहां पे जाकर के लोग अज्ञानी होते हैं, भिखारी बनते हैं, और भारत का दूसरा मंदिर जिसको हम और आप स्कूल कहते हैं, जहां पर लोग जाकर के हमारे लोग बुद्धिमान बनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, डॉक्टर इंजीनियर मास्टर बनते हैं। फैसला आपके हाथों में है किस मंदिर में जाना है भाइयों, क्या कहना भैया मनोज। जब हम पढ़ेंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे, मेरे सोए हुए भाग खुद जाग जाएंगे हम जब पढ़ेंगे। हम जब पढ़ेंगे तो वैज्ञानिक बन जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं हो सकता भैया। जब तक हमारे समाज के लोग पढ़ना नहीं जानेंगे कैसे देश के रक्षक बनोगे। जब हम पढ़ेंगे तो वैज्ञानिक बन जाएंगे, अगर एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ते नहीं भैया भारत के वैज्ञानिक बनते नहीं, बनते ना। इसीलिए हमारे समाज के लोगों जरा गौर करो और पढ़ना स्टार्ट करो। ए बहुजन साथियों अपने बच्चों पे गौर करो, क्या कहना भैया बहादुर। जब हम पढ़ेंगे तो वैज्ञानिक बन जाएंगे, और मेरे सोए हुए भाग खुद जाग जाएंगे हम जब पढ़ेंगे। और आज के इस रिकॉर्डिंग में सहयोग कर रहे हमारे बड़े भैया राजेश राज भदियासी, जो कि भीम आर्मी के तहसील सह संयोजक के पद पर कार्यरत हैं,
राजेश राज भदियासी, इन्होंने हमारा सहयोग किया, भगवान बुद्ध इनको आगे बढ़ाता रहे। क्या कहना है भैया मनोज? जब हम पढ़ेंगे तो टीएम बन जाएंगे, जब हम पढ़ेंगे तो डीएम बन जाएंगे। जब हम पढ़ेंगे तो शासन चलाएंगे, ए भैया अगर बाबा साहब संविधान नहीं लिखते और हमारे समाज के लोग पढ़ते नहीं तो उत्तर प्रदेश में चार चार बार बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, बिना पढ़े बन गई। जब उन्होंने पढ़ा तभी जाकर के उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी भैया। क्यों बहादुर? इसलिए हमारे समाज के बच्चे गौर करें क्या, जब हम पढ़ेंगे तो डीएम बन जाएंगे। जब हम पढ़ेंगे तो शासन चलाएंगे, और मेरे सोए हुए भाग खुद जाग जाएंगे। जब हम पढ़ेंगे हैं, बड़े बुजुर्गों ने कहावत कही कि जयश जी का लड़का, जयश जी का बाप मैया वही सुई का लड़का। क्यों मनोज भैया? जयश जी का बाप मैया वही सुई का लड़का, और जयश जी का घर बखरी वही सुई का फरीका। इसीलिए तो कहा गया हम जब पढ़ेंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे, जब हमें घास छोड़ रहे हैं भैया तो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। जब हम ही शराब पी रहे हैं, जब हम ही जुआ खेल रहे हैं तो बच्चों को क्या शिक्षित करेंगे। इसलिए अगर बच्चों को शिक्षित करना है तो पहले माता और पिता को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। क्यों बहादुर भैया? जब हम पढ़ेंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे, और बेटा बेटी में फर्क ना करेंगे। आज भी लोग दुनिया में बेटा और बेटी में फर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अशिक्षित हैं। इसीलिए कवि महोदय ने लिखा कितना अच्छा भाव भैया, जब हम पढ़ेंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे, बेटा बेटी में फर्क न कर पाएंगे, और मेरे सोए हुए भाग खुद जाग जाएंगे। जब हम पढ़ेंगे खूब दया हो मनोज भैया। हम जब पढ़ेंगे तो सीएम बन जाएंगे, जब हम पढ़ेंगे तो पीएम बन जाएंगे, और इतना ही नहीं पूरे भारत का भार हम उठाएंगे। और
मेरे सोए हुए भाग खुद जाग जाएंगे हम जब पढ़ेंगे। मेरे सोए हुए भाग खुद जाग जाएंगे हम जब पढ़ेंगे। सभी साथियों से निवेदन है कि हमारा YouTube पे चैनल चलता है राजेश राज सीतापुर, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने सुझाव देते रहें। क्या कहना है भैया मनोज? मेरे सोए हुए भाग खुद जाग जाएंगे हम जब पढ़ेंगे। बोलिए बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की।